हाय, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में नया पर्चा हम कैसे बना सकते हैं, वो भी घर बैठे ऑनलाइन। इसके लिए हमें एम्स के हॉस्पिटल जाकर सुबह अर्ली मॉर्निंग जाकर पर्चा बनाने के लिए लाइन में नहीं लगना होगा। हम एम्स का अपॉइंटमेंट घर बैठे बुक कर लेंगे और जिस डेट का अपॉइंटमेंट होगा उस डेट पर जाकर इलाज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं ors.gov.in। यहाँ पर आप विजिट करेंगे, जब आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो कुछ इस तरह का होम पेज आपको देखने को मिलेगा। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जब आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कई ऑप्शंस हैं, ब्लड अवेलेबिलिटी, लैब रिपोर्ट, पेमेंट्स, ओपीडी, ई कार्ड, ये सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्योंकि हमें अपॉइंटमेंट बुक करना है तो हमारे पास ये ऑप्शन है बुक अपॉइंटमेंट, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ सारे स्टेट देख सकते हैं आप, ये सारे स्टेट हैं। आप किसी भी स्टेट जिस स्टेट से हैं उस स्टेट पे उस स्टेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें एम्स का पर्चा बनाना है तो हम पहला ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन है एम्स, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक लिस्ट खुलकर आएगी, इसमें एम्स में इंडिया में जितने भी एम्स हैं उन सब की लिस्ट आ जाएगी। जैसे एम्स न्यू दिल्ली, एम्स भटिंडा, एम्स उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, तो इस तरह के जितने भी एम्स हैं ऑल ओवर इंडिया उन सब की लिस्ट आपके पास आ जाएगी। आप जिस राज्य से उस राज्य के एम्स को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हाईलाइट होंगे। पहला है अपॉइंटमेंट, इसमें आपको अपॉइंटमेंट आप बुक करेंगे और हॉस्पिटल जाकर इलाज करा सकते हैं। दूसरा है टेली कंसल्टेशन का, इसमें आप अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर सकते हैं और फोन पर डॉक्टर से अपने एडवाइस ले सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस और भी हैं, जैसे अपॉइंटमेंट का स्टेटस, आपने कोई पुरानी अपॉइंटमेंट बुक करी उसका स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपका कोई पुरानी अपॉइंटमेंट है उसकी स्लिप आपको यहाँ से मिल सकती है। आप अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल करना चाहते हैं इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, और पेमेंट करना चाहते हैं कुछ है तो यहाँ से इस ऑप्शन को यूज करके कर सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम नया पर्चा कैसे बनाते हैं, तो हम अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। अपॉइंटमेंट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, न्यू अपॉइंटमेंट और फॉलो अप अपॉइंटमेंट। न्यू अपॉइंटमेंट का मतलब है आप पहली बार हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं, और फॉलो अप अपॉइंटमेंट का मतलब है कि आप पहले विजिट कर चुके हैं और दोबारा चेकअप के लिए जा रहे हैं। क्योंकि हम न्यू अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं नए पर्चे की, तो हम न्यू अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें अपना हॉस्पिटल चूज करना है, डिपार्टमेंट चूज करना है कि किस डिपार्टमेंट में हमें अपना इलाज करवाना है। तो यहाँ पर हमें अपना डिपार्टमेंट चूज कर लेना है जिस डिपार्टमेंट में हमें अपना इलाज कराना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम आई सेंटर के लिए, आंखों के इलाज के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं, तो हमने ट्रीटमेंट ऑफ आई केयर इस पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से हमारे पास ऑप्शन दिखाएगा ये डिपार्टमेंट का, हम फिर से इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आर पी सेंटर, आई सेंटर। उसके बाद इस सेंटर का ओपीडी का हमारे पास ऑप्शन आया है, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ओपीडी के। अब यहाँ पर हमें डेट चूज करना होगा। आपको बता दें कि जहाँ पर आपको ये ग्रीन कलर दिखेगा वहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट अवेलेबल है उस डेट में। इस कलर का मतलब है कि इस डेट में अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है, और इस कलर का मतलब है कि उस दिन छुट्टी है, उस दिन अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो सकती। नीचे हमारे पास कैलेंडर आया हुआ है, आप देख सकते हैं इनमें किसी भी डेट में अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। आपको जो अपॉइंटमेंट है वो 27 के बाद दिख रहा है, तो अगर आप 27 के बाद जाना चाहते हैं जिस डेट में, उस डेट को सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर एग्जांपल 27। जैसे ही आप डेट सेलेक्ट करेंगे आपके पास यहाँ पे पॉपअप आएगा कि आप किस हॉस्पिटल में जा रहे हैं। हॉस्पिटल का नाम आएगा एम्स न्यू दिल्ली, डिपार्टमेंट कौन सा है, आई सेंटर है, वो दिखाएगा आपको। और आपका जो मोड है एप्लीकेशन का वो अपॉइंटमेंट है, वो दिखाएगा। यहाँ पर आपको डेट दिखा रहा है कि 27 जून के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं, इसे आप कन्फर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आपके पास ये इस तरह का पॉपअप आएगा, यहाँ आप अपना आप मोबाइल नंबर डालेंगे और आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कर गेट ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे।
मोबाइल नंबर डालने के बाद आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप यहाँ डाल देंगे। और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दे रखा है इंस्ट्रक्शन, यू कैन रजिस्टर 6 मेंबर्स विद 1 मोबाइल नंबर, यानी एक मोबाइल नंबर से आप 6 लोगों के लिए ओपीडी का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसके बाद आप रजिस्टर्ड मेंबर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपना स्टेट चूज करेंगे, जिस स्टेट के लिए आप बुक करना चाहते हैं स्टेट सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर आपके से सवाल पूछा जा रहा है, डू यू हैव आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, क्या आपके पास आयुष्मान भारत का हेल्थ अकाउंट है, अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। नो पे क्लिक करने के बाद अगेन आपके पास ऑप्शन आ रहा है, डू यू वांट टू क्रिएट आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, अगर आप आयुष्मान भारत का अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद डू यू वांट टू रजिस्टर यूजिंग आधार कार्ड, यानी आप अपने आधार कार्ड के जरिए रजिस्टर करना चाहते हैं, अगर आप आधार कार्ड से लिंक से करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास आएगा, यहाँ पे आपको अपनी पूरी डिटेल फिल करनी है, यहाँ से इनिशियल लड़का लड़की के अकॉर्डिंग आप चूज कर लेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट, मिडिल नेम अगर कुछ है, और यहाँ पे लास्ट नेम। तो इस तरह से आप अपनी सारी डिटेल यहाँ फिल कर देंगे, उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो गई है, इस डेट पे आपको हॉस्पिटल विजिट करना होगा। सेम आपको मैसेज भी आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर। तो इस तरह से आप अपने या किसी के लिए भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट एम्स के लिए बुक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।